चेक वेदर द रिलेशन डिफाइंड बाई ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ये चेक करना है कि ये रिलेशन इन तीनों में से कोई सी है क्या नहीं। क्या रिलेशन है? ए कोमा बी सच दैट ए लेस देन बी क्यूब, और रिलेशन है आर टू आर, ए और बी दोनों रियल नंबर है। यहाँ पे यही बात, तो चेक करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में हमें क्या करना होता है, बी की जगह ए रखते हैं यहाँ पे, तो ए लेस देन ए क्यूब। अब ए लेस देन ए क्यूब ये हमेशा होता है क्या, ये हमें चेक करना है। अगर हमें ए कोई नेचुरल नंबर लेनी हो तो हमें पता हर नेचुरल नंबर अपने क्यूब से छोटी होती है, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो अपने क्यूब से छोटी होगी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में रियल नंबर दे रखा है, और रियल नंबर में हमें एक बात पता है कि जो फ्रैक्शन वाली नंबर होती है वो अपने क्यूब से छोटी नहीं होती, बड़ी होती है, यानी ये गलत है यहाँ पे। तो हम लिख देंगे इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब जब हम कह रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इसके लिए हमें एग्जाम्पल देना कंपलसरी है, कि हम कोई भी एग्जाम्पल दे देते हैं। तो यही वाला हमने एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया कि 1/2 1/2 के क्यूब से छोटी नंबर नहीं होती, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर अगर ए बी के क्यूब से छोटा है तो क्या बी ए के क्यूब से छोटा होगा? तो ये भी हमारा सही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 ले लें तो 1 2 के क्यूब से छोटा है, लेकिन 2 1 के क्यूब से छोटा नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पे एग्जाम्पल बताना जरूरी है। अब हमें चेक करना है ट्रांजिटिव। अगर हमने ले लिया ए बी के क्यूब से छोटा है और बी सी के क्यूब से छोटा है, तो हमें यहाँ पे चेक करना है कि ए सी के क्यूब से छोटा होगा क्या नहीं होगा। तो दिखने में तो हमें लगता है क्योंकि ए बी के क्यूब से छोटा है और बी सी के क्यूब से छोटा है तो ये भी होगा, लेकिन ये इंटीजर्स या नेचुरल नंबर के लिए तो सही है। खैर नेचुरल नंबर के लिए भी सही नहीं होगा, मैं इसका एग्जांपल आपको बताता हूँ, पहले लिख देता हूँ ये नहीं होगा। देखो मान लेते हम ले लेते हैं 7, 7 2 के क्यूब से छोटा है ना, और 3 ले लेते हैं, 3 2 के क्यूब से छोटा है, यहाँ पे 9 ले लिया। थोड़ा सा ध्यान रखना होता है एग्जाम्पल के लिए, 9 3 के क्यूब से छोटा है, 3 2 के क्यूब से छोटा है, लेकिन 9 2 के क्यूब से छोटा नहीं है। तो इसका मतलब R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो इस तरह से हमने तीनों चीज चेक कर लिए, ना रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है।